नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं इस वक्त मौजूद हूं रेती रोड पर, जहां पर आज अल फलक टूर्स एंड ट्रेवल्स का उद्घाटन किया गया है। टूर एंड ट्रेवल्स के फील्ड में एक और कंपनी गोरखपुर के अंदर आ गई है। ये अभी इन्होंने जो सर्विसेज स्टार्ट किया है वो ये है कि मक्का मदीना का टूर कराना, जिसमें हज और उमरा के लिए लोग जो जाते हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही है, कुछ स्पेशल पैकेज दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर के हम यहाँ के प्रोप्राइटर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का पैकेज दिया जा रहा है, क्या क्या ये सुविधाएं अपने को दे। गोरखपुर जबकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ पे जो सबसे नजदीक अगर बात करते हैं तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन हज और उमरा के लिए लोग बाग या तो दिल्ली जाते हैं या लखनऊ से होते हैं। हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये बाकी टूर एंड ट्रेवल्स से कैसे अलग है। आप जो आपने टूर्स एंड ट्रेवल्स का आज यहाँ पर जो इनॉग्रेशन किया है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे बाकी लोग जो टूर ट्रेवल कराते हैं उनसे आप अलग हैं? हमारी सुविधाएं जो यहाँ से लखनऊ से हमारी डायरेक्ट फ्लाइट है सऊदी एयरलाइंस, जो डायरेक्ट फ्लाइट है, और वहाँ हमारे जो हरम से होटल है वो बहुत नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस है कि आपको हमारे ग्राहकों को असुविधा ना हो वहाँ पहुँचने में, बस ना लेना पड़े, टैक्सी ना लेना पड़े, पैदल ही वॉकिंग हो जा सकते हैं। खाने का बेहतरीन इंतजाम है, इंडियन फूड सारे मिलेंगे आपको वहाँ, और ज़ियारतें जो है हमारी सब वहाँ अच्छी हैं, सारी अच्छी हैं। उसमें तैफ जुराना और ये क्या कहते हैं, हाँ ITC, इन सब की ज़ियारतें हैं, लोकल ज़ियारतें भी वहाँ हैं, और खाने का माकूल इंतजाम है, बेहतरीन इंडियन फूड मिलेगा। ये बताइए, अगर उमरा के लिए, हज के लिए तो टाइम होता है, उसी पे हज के जा सकते हैं, उमरा कभी भी कर सकते हैं, तो उमरा के लिए क्या ग्रुप जब तैयार होता है तभी आप भेजते हैं, या अगर एक या दो आदमी अगर जाना चाहे तो उसको भी आप भेजते हैं? नहीं, उमरा के लिए जो है ग्रुप हमारा जब 25-30 आदमी हो जाते हैं, 20 आदमी जाते हैं तभी भेजते हैं हम लोग। एक दो आदमी में दो से प्लस होना चाहिए। जैसे हज के दौरान एक जो है गाइड टाइप का भी आदमी भेजता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा भेजती है, एक जो जिनको जो इनकी खिदमत करते हैं और उनको जो है रास्ता वगैरह दिखाते हैं या जो भी जरूरत है लोकल लेवल पे वो करते हैं, तो क्या आपका जो ग्रुप जाता है उसमें भी आपके साथ? उसमें भी लोकल हमारे वहाँ गाइड रहते हैं, जो आपके यहाँ लखनऊ एयरपोर्ट से रहेंगे वहाँ पे आपको रिसीव करेंगे जद्दा एयरपोर्ट पे, और वहाँ से आपके साथ साथ रहेंगे जब तक आपका टूर रहेगा, वो सारे आपके गाइड करेंगे। अगर हम गोरखपुर और पूर्वांचल की अगर बात करते हैं तो यहाँ से अगर कोई आपके यहाँ अप्लाई करता है तो क्या गोरखपुर से पिक एंड ड्रॉप है या लखनऊ से पिक एंड ड्रॉप है? लखनऊ तक हमको खुद से जाना होगा उनको, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी होगी, या गोरखपुर से ही पिक एंड ड्रॉप? नहीं, लखनऊ से पिक एंड ड्राइव है, लखनऊ से पिक एंड ड्राइव। आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, अगर 25 या 30 हैं तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि गोरखपुर से पिक करा लिया जाए और फिर वहाँ पर होगा तो हम यहाँ गोरखपुर से भी उनको देंगे, लखनऊ तक का ड्रॉप देंगे पिक एंड ड्रॉप। एक उमरा में अमूमन कई दिन का स्टे होता है, मक्का में, मदीने में, या इंडिया से जाना और वापस आना कितने दिन का होता है ये? हमारे दो है, एक 16 दिन के हैं और एक 17 दिन का है, उसमें 10 दिन आपका मक्का में है, बाकी 6 दिन मदीने में है। थ्रू आउट आपके लोग वहाँ पर होते हैं सपोर्ट के लिए? हाँ, सपोर्ट के लिए, इसी तरह की कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। एक बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है वीजा के लिए, वीजा आसानी से मिलता नहीं है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, उमरा का वीजा तो मिल जाता है, वीजा स्टैंपिंग हो जाती है, तो इसलिए उमरा के वीजा में आसानी है, मिल जाता है। जिनके पास पासपोर्ट नहीं है उसको भी आप लोग बनवाते हैं, उसके लिए कुछ है क्या? पासपोर्ट जिनके पास नहीं है वो लोग भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, वो भी सुविधा आपके पास है? वो भी सुविधा हम करा, उनका पासपोर्ट बनवा सकते हैं। आपका शुभ नाम? अरशद हुसैन। तो यहाँ पर अरशद हुसैन साहब हमारे साथ थे, उनका साफ कहना था कि पासपोर्ट की जो मुश्किलें आती हैं उसके लिए भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो वीजा में जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं और वो असिस्ट करेंगे। उसके बाद इनका 16 दिन और 17 दिन का टूर होता है, गोरखपुर से अगर ग्रुप बनता है तो वो पिक एंड ड्रॉप करेंगे, अगर ग्रुप नहीं बनता है तो लखनऊ पर एयरपोर्ट पर इनके आदमी मौजूद होंगे जो उनको डिपार्ट करेंगे, और सऊदी में रियाद में जहां पर भी उतरते हैं वहां से फिर इनके आदमी होंगे जो उनको पूरा असिस्ट कर कर करके मक्का और मदीने की ज़ियारत कराएंगे। क्या आपने इस बार कोई इनॉग्रल ऑफर वगैरह रखा है क्या? इस बार हमने ये हम लोग का ये है कि जो भी अभी इनॉग्रेशन पे आएगा उसको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। कितने दिन? अभी तो लगभग एक महीना चलेगा ये। कितने से पैकेज स्टार्ट होता है? पैकेज हमारा 97,000 से।
इनका ये साफ कहना है कि 10 दिन एक महीने तक इनॉग्रेशन के आज से एक महीने तक अगर कोई अप्लाई करना चाहता है उमरा के लिए तो वो आ सकता है और इनका पैकेज लगभग 1 लाख से स्टार्ट है, उसमें 10% का रिबेट दिया जाएगा इनॉग्रल ऑफर के नाम पर। आज जिन्होंने उद्घाटन किया है वो यहाँ के लोकल पार्षद हैं और कभी उपसभापति भी रहे हैं जियाउल इस्लाम साहब, वो हज भी किए हुए हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ उनका कहना है। आज आपने यहाँ पर उद्घाटन किया है और आप खुद सऊदी जा चुके हैं, हज किए हुए हैं, तो क्या दुश्वारियां आती हैं जो यहाँ पर जो टूर्स एंड ट्रेवल्स है वो दुश्वारियों को खत्म करने की कोशिश करेगा? देखिए, उमरा और हज में बहुत फर्क है। हज का टूर 40 दिन का है, उमरा का टूर जो है 15 दिन का है। हज में तमाम अरकान ज्यादा होते हैं, उमरा में बहुत छोटे अरकान होते हैं। जहाँ तक सवाल है कि ये टूर एंड ट्रेवल्स जो अल फला खुली है, इससे हमारे लोगों को, हमारे इलाके के लोगों को बहुत सी सुविधाएं मिल जाएंगी, आसानी हो जाएगी, लोगों को भागना नहीं पड़ेगा और ये टूर एंड ट्रेवल से इस इलाके के तमाम लोगों को परेशानियों से निजात मिलेगी। हम इस टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक को, प्रोपराइटर को बधाई देते हैं। तो यहाँ पर उनका साफ कहना है कि हज और उमरे में फर्क होता है 40 दिन और 15 दिन का। कुछ अरकान हज के अंदर ज्यादा होते हैं और इसमें कम होते हैं, और इन्होंने साथ में उनको मालिक जो है उनको बधाई दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आसपास के जो लोग हैं उनके लिए एक अच्छी पहल होगी और यहाँ से लोगों को सुविधाएं अच्छी मिलेंगी और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से ये कायम रखेंगे। अभी उन्होंने 10 दिन एक महीने का ऑफर दिया है कि 10% रिबेट करेंगे, तो उन्हें अभी उनके जो यहाँ के प्रोपराइटर हैं उन्होंने 10% का रिबेट की भी बात की है। होप सो कि जो बातें उन्होंने कही है उस बात पे ये खड़े रहेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से ENDELHI के लिए।